अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक, ईद उल अज़हा की बड़ी बड़ी खुशियाँ पूरी कौम को बहुत बहुत मुबारक हो। जनाब सियासी किचन यहाँ पर हम आपके साथ मौजूद, पकाते हैं हम यहाँ पर पकवान, साथ ही साथ सियासी पकवान भी हम आपको बताते हैं। सियासत में क्या कुछ बन रहा है ये हम आपको बताते हैं। हमारे मेहमान ज़रा मुख्तलिफ होते हैं, ताल्लुक़ उनका होता है सियासत से, इसीलिए हमारा है सियासी किचन। तब्दीली सियासत में आए ना आए, लेकिन बकरा मंडियों में बहुत तब्दीली आ गई है। पूछिए क्यों। जनाब पहले वही बकरे जो कुर्बानी के डर से सहमे सहमे डरे डरे नज़र आते थे, अब वही बकरे थोड़े नडर नज़र आते हैं। अब वो कैसे? वो ऐसे कि उनको पता होता है कि पहले छुरी इन खरीदारों पे पड़ेगी, हम पे तो बाद में आएगी। जी हाँ, बहुत ही महंगे हो गए बकरे, कुर्बानी करना आम इंसान की पहुँच से बहुत दूर हो गया। कुर्बानी आती है तो मज़ेदार पकवान पकते हैं, मज़े मज़े की डिशेज़ पकती हैं, वो डिशेज़ जो कई दफ़ा हम बहुत बहुत अरसे नहीं खाते, वो इन दिनों में रोज़ रोज़ बनती हैं। जी हाँ, ये सब डिशेस हम पकाएंगे। आज बड़ी ही खास डिश है, डिश क्या है ये हमारे आने वाले मेहमान बताएंगे, क्योंकि वो ये डिश हमारे इस सियासी किचन में बनाएंगे। मेरे बहुत ही प्यारे मेहमान हैं आज हमारे साथ, मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखती हैं हमारी बहुत ही प्यारी उज़्मा बुखारी, बहुत ही अच्छी गुफ्तगू करती हैं उज़्मा आप, और हमारे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर शाही सैयद साहब, एनपी से आपका ताल्लुक़। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, प्लीज़ हमारे किचन में तशरीफ लाइएगा। उज़्मा आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक सर, आप हमारे इस किचन में आए। उज़्मा, किचन में ख़वातीन तो आती रहती है, आपको कैसा लग रहा है किचन में आना? अजूबा। खाना बहुत कम है, उसी खुशी से बात नहीं, लोग काके उसकी तारीफ करे। इंशाल्लाह मैं आज में तारीफ जरूर करूंगा। अच्छा, उसमें आप जैसा भी बनाएंगे वो तारीफ करेंगे। अच्छा, ऐसे होता है कि खाना जब मेज पर आता है तो आप थोड़ा वो मतलब बताते हैं ये शक्ल अच्छी नहीं है, दिल नहीं कर रहा, उठा लो, ये जो आ गया खा लिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, ऐसा नहीं है, पुराने जमाने में शायद होता था, लेकिन आजकल तो माशाल्लाह प्लेटें इतनी अच्छी होती है, डिशें ऐसी होती है, ऐसे और टीवी ने, मीडिया ने लोगों को इतनी अवेयरनेस दी है कि आज कोई भी नहीं बोलता खराब खाना भी होगा तो प्लेटों में अच्छा रखा के सलीके से रख के मजा लग रहा है। कम अज़ कम शुरू में इंसान नहीं बोलता। उसमें क्या बना रहे हैं आज हम? हम कोशिश करेंगे आज चॉप्स जो हैं वो ब्लैक पेपर सॉस, और यूजुअली ऐसे इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैंने बचपन में कुर्बानी होते देखी थी, उसके बाद मैंने कभी मटन नहीं खाया जिंदगी में, मैंने उसको नेवर टेस्टेड, और मेरे लिए मतलब मटन बनाना ज़िंदगी का सबसे मुश्किल काम होता है, लेकिन मियां के लिए बनाना पड़ता है, मजबूरी है। और ये जो ईद है बड़ी मुश्किल होती है, बकरा ईद मेरे लिए, और मैं जहाँ बाकियों के लिए सब कुछ बन रहा होता है, वहाँ मेरे लिए अपने लिए कोई दाल, कोई सब्जी, कोई टाइप की चीज़, बट आज हम कोशिश करेंगे। वेजिटेरियन है आप, है मतलब कोशिश करते हैं कि वाइट मीट खा सकते हैं। अच्छा, उसमें चूँकि आपका ताल्लुक पहले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी रहा, फिर नून लीग में आप आई, और नून लीग में ज़रा खाबों का और खानों का बड़ा शौक है, क्या खाया जाता है ज़्यादा बड़ी ईद पर, क्या खाते हैं? नहीं देखिए, अच्छा खाने का शौक मेरा ख्याल है हर इंसान को होता है, और हर मियां साहब को ज्यादा शौक है। नहीं, ये इंप्रेशन है। अच्छा, मैंने पूछा ये बड़ी बेगम साहिबा जो है, बेगम कुलसुम नवाज शरीफ साहिबा से, मैंने एक दिन पूछा कि बेगम साहब ये जो इंप्रेशन है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने मुझे की कि मतलब उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने कभी पाए आज तक जिंदगी में नहीं खाए, और उनके उनके घर में एक है बहुत लेविश दस्तरखान, और वो सबको खिलाने के हवाले से उनका दस्तरखान बहुत मशहूर है, लेकिन वो खुद बहुत अब सादी गज़ा खाते हैं, जो मेरी पहले में दो तीन दफ़ा मैंने देखा भी है। सो बाकी मतलब पहले, लेकिन उनके पाए के हवाले से स्पेसिफिकली मैंने देखा, उन्होंने कभी पाए नहीं खाए। अच्छा, ये तो बड़ा ही कोई इंकशाफ ही हो गया, क्योंकि हम लोग तो हमेशा यही सुनते हैं पाए, और ये तो बल्कि लोगों ने तो लोगों ने दुकानें तक बताई नहीं है कि मियाँ साहब यहाँ से मंगवा के खाते हैं। आप भी क्या मियाँ सब हो सकता है, मेहमानों को खिलाते हो, मैंने इस पर तो नहीं किया, जरूरी नहीं, लेकिन बेगम कुलसुम साहिबा ने जो मुझे कहा मैंने अब तक, अरे सब उसमें कहती है ना कि मैं बनाती जरूर हूँ, लेकिन मैं खाती बनाना पड़ जाता है। ज्यादातर खाने वाले पकाने वाला नहीं होता, पकाने वाला फिर खाने वाला नहीं होता। ये आपने जो बात की है ये मेरे ऊपर नहीं पूरी आती है, लेकिन मैं दोनों आई एम एट दी बोथ एंड्स, मैं दोनों एंड्स पर हूँ। अच्छा, जैसे आज उज़्मा तो कुछ बनाएंगी, जो बनाएंगी वो अभी नाज़रीन को बताएंगी भी कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ, ये कुछ चांपे शांपे भी यहाँ पे पड़ी हुई हैं। नहीं, ये हेल्प तो मैं करूँगा, आज आप करेंगे, मैं इतना हेल्प जरूर करूंगा। ये उठा उठा के देंगे, चले कि अच्छा उज़्मा साथ साथ हम शुरू भी करते हैं। तो शाही साहब, क्या घर में कभी ऐसे हुआ है कि आपने किचन में कभी थोड़ी सी कभी जिंदगी
जिंदगी के किसी शुरू के अवायल में किसी वक्त कभी कोई काम कराया हो? नहीं, कभी ऐसा मौका कभी आया नहीं, कभी गया किचन में बहुत कम जाता हूँ, नहीं जाता हूँ। अच्छा, बस कभी ऐसा मेहमान ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा मेहमान की वजह से होता है, क्योंकि ढोंगा लेने के लिए खड़ा होगा तो ढोंगा लिया, फटाफट शुरू हो गई। ये आप कर क्या रही हैं, ये बताएं। मैं ये अभी तो इसको मैरिनेट करने की कोशिश कर रही हूँ, और इसको मैंने जो मटन की हमारी चॉप्स हैं इसको मैंने मस्टर्ड पेस्ट डाला है इसके अंदर, इसके अंदर मैंने वर्सेस्टर सॉस डाली है, नमक डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, और इसको हम अब थोड़ी देर के लिए इसको मैरिनेट करने के लिए। वैसे अच्छी चीज़ ये है कि इसको हमें थोड़ा अगर ओवरनाइट रख दिया जाए तो ये मैरिनेशन जो है ऑफकोर्स उससे, और फिर इसको बिकॉज मटन को गलाना भी एक काम होता है बहुत बड़ा, और समटाइम बहुत अच्छा मटन बना होता है बट या वो ओवर कुक्ड होता है या वो बिल्कुल अंडर कुक्ड होता है, सो वो एक बड़ा हर चीज जो है मुतनासिब। कितनी खूबसूरत बात की है, सियासत में भी हर चीज़ मुतनासिब होनी चाहिए। इस वक्त मैं ये देख रही हूँ इन्होंने मसाले बड़े थोड़े डाले हैं। उज्मा ऐसे तो ना करें, सियासत में इतना इस वक्त स्पाइस है, इतना ग्रिल हो रही है चीज़ें, चीज़ें मुतनासिब होनी चाहिए ना, मुतनासिब और जब पेट में जानी है और मज़ा नहीं आता, जुबान की लज्जत, वो जुबान की लज्जत थोड़ी देर के लिए हो सकती है मेरी, लेकिन उसके बाद जो पेट ने भुगतना है और जो आंतड़ियों ने भुगतना है उससे बेहतर है कि थोड़ा उसको उसमें रखा जाए। ऐसे ही जैसे हमारी आवाम फिर भुगतती है और जो हमारे मुल्क का हाल होता है और जो ये हमारे सियासतदान जो कुछ करते हैं इस मुल्क के साथ, ये एक ईद वाले दिन एक बहस है। ऐसा है कि सियासतदान की साल जो होता है वो भुगतानी तो ये भी हम तो हर वक्त भुगतते हैं, लेकिन देखने वाली बात ये है अभी जो मतलब जो बड़े बड़े करप्शन केसेस भी आए, जो सुप्रीम कोर्ट में लिस्ट भी गई, आपने उसकी देखा है कि उस पर परसेंटेज क्या है, 1% के करीब सियासतदान है और 80% के करीब जो है ब्यूरोक्रेट्स हैं। सो ये हम पे इंप्रेशन है, हम हर वक्त अकाउंटेबिलिटी भुगतते हैं, आपसे भी हर आपसे हम 7 बजे शुरू होते हैं रात 11 बजे तक आपकी अकाउंटेबिलिटी भुगतते हैं, फिर आवाम से भुगतते हैं। मीडिया का खाना चाम नहीं है, सियासतदान आपका खुराक है। सियासतदान चाहिए ताकि किसी न किसी को लगता। अच्छा, आज मजे की बात यह है कि हम सियासतदानों के दुखड़े भी सुनेंगे, क्योंकि हमेशा हम यहाँ पे यही बात करते हैं आवाम के साथ ये हो गया, आवाम के साथ वो हो गया, तो ये देखिए भाई हमारे सियासतदान जो है बड़े दुखी है, बाकी बड़ा एहतसाब हो रहा है, छोड़ते नहीं है, हमारा काम है चले जाए, एंकर जो है वो आपको छोड़ते नहीं है। नहीं, हमारा काम है पब्लिक का काम करना, मसले मसाइल करना, आपने वो छोड़ के हमें किचन पे ले आया, असल हमसे क्या बनाओ क्या बनाओगे। नहीं, हमें देखिए आपका सवाल हमसे पूछना मतलब आपका राइट है, हमें पूछना चाहिए, लेकिन पार्टी बनना ये एक किसी एंकर को किसी तजियाकार को सूट नहीं करता, और फिर ये है कि जब आपकी एक एफिलिएशन मतलब सामने से नजर आ रही है, आप मतलब मौजूद हैं राइट लेफ्ट में मशवरे देने के लिए, तो फिर आप मतलब तजियाकार मेरा ख्याल नहीं हो सकता, यानी कि एंकर्स की, ठीक है, आप मुसलसल आप कह रही, मुझे लग रहा है मुझे मुखातिब नहीं, मैं आपकी बरादरी में कुछ लोगों को कह रही। सही है, ठीक है। अच्छा शाही सैयद साहब, अभी ये कर तो रही है इसको आप साथ में, हां मैरिनेट भी करते हैं। अच्छा मुझे ये बताइए कि शाही सैयद साहब को भी कोई काम दीजिए ना, वो जरा शाही साहब इसको जरा लगाइए ना, आपने कहा ना मैं हेल्प कराऊंगा, मैं चले आग जला देती हूं, मैं आई कैन डू दैट। जरा सब्जी को भी हम थोड़ा सा चूंकि हम इसको साथ ये आप लगा दो मैं बुझा दूंगा, क्योंकि हमारा काम है आग बुझाना। ये आपने बड़ी अच्छी बात की है, ये लीजिए ये तेल डालिए आप, प्लीज तेल डालिए, तेल डालना जो है ना ये मैं डाल देती हूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे इस प्रोग्राम से हमारे जो मर्द सियासतदान है वो भी कुछ सीख के जाए। अच्छा ये बड़ा डाइट कॉन्शियस है आप हैं, थोड़े सारे तेल, वैसे भी हम इसको डीप फ्राई तो कर नहीं रहे ना, ये ग्रिल्ड होगा, और एक तो मेरी गुजारिश है मतलब ईद के हवाले से, चूँकि हमें पहले रेड मीट खाना होता है और थोड़ा सा इसके ऊपर बीमारी जो है वो ज़्यादा मतलब हमें सेहतमंद खाना चाहिए, मतलब हम सेहतमंद रहे खाने के बाद भी। अच्छा उसमें अब क्या हम करने जा रहे हैं, अब हम इसको ग्रिल करेंगे और ये मैरिनेट हमने इसको कर लिया, और ये याद रखने की बात है कि हम इसको ग्रिल कर रहे हैं, हम इसको डीप फ्राई नहीं कर रहे हैं, तो हमने तेल बहुत थोड़ा डाला है, और ये ग्रिलर जो है ये आजकल ये ग्रिलर्स की बड़ी फ़ायदा है, और वो नॉनस्टिक की वजह से ये इसमें घी भी कम इस्तेमाल होता है और सेहत के लिए भी बेटर, इसके छींटे जो हैं कोई उड़ उड़ के बाहर आ रहे हैं। अच्छा, जब आप किचन में आएंगे और आप हमें ईद वाले दिन इन तमाम हुलिये के साथ किचन में लाएंगी तो ये तो होगा। अच्छा बड़ी बात है, और ख़वातीन और इस मेकअप और इन कपड़ों के साथ जो है ना किचन में खड़ा होगा। अच्छा घर में बनाती हैं गोश्त वगैरह,
मैं मटन नहीं बनाती, मैंने बताया ना तुमको, मैं मटन अवॉइड करती हूँ, मतलब बहुत मजबूरी है। कितने खुश हो रहे होंगे आपके घर वाले देखकर आपको, है ना? मतलब मैं समय में कहती हूँ कि मेरे घर जाने से पहले मेरे घर के बाहर जुलूस होगा और मेरे मियाँ उसमें ढोल लेके खड़े होंगे कि आज बेगम जो है वो मटन पका के आई है। इसकी आंच हम थोड़ी सी आहिस्ता ना कर दें शायद सब, ये जो आंच है हमारी सियासत में थोड़ी धीमी हो जाए तो काफ़ी बेहतरी नहीं आ जाएगी? नहीं नहीं, ये किसने बताया, जितना आग तेज होता है सियासत गर्म होता है। अब देखो जिन इलेक्शन हो रहा है, गर्मा गर्मी है। इसमें एक छोटी सी टिप जो है वो मैं समझती हूँ कि अगर आप मटन के अंदर थोड़ा सा पपाया डाल दें तो वो उससे जल्दी जल्दी जाता है और वो वैसे भी मैरिनेट करते हुए बीच में डाल दें, चमक के ऊपर को बहुत उसका वो बहुत हार्ड इफेक्ट नहीं होता। चलिए ठीक, तो लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेता है, थोड़ा वक्त लेगा ये। हाँ, मैं बहुत से प्रोग्राम में उज़्मा को देखती हूँ, उज़्मा टॉक शोज़ में आती है और वहाँ पे बड़े सवालात हो रहे होते हैं और खूब गर्मा गर्म सवालात हो रहे होते हैं, तो उज़्मा किस तरह से उन सवालात को तेरे गुस्सा आता होगा बर्दाश्त करती होंगी, कैसे रोकती होंगी? मैं हाँ नहीं, देखिए मैं समझती हूँ कि सियासत का जो सबसे बड़ा जो एक फ्रूट है वो ये है कि सियासत आपको पेशेंस सिखा देती है। समटाइम हो सकता है कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपके घर में आपको अगर वो बंदा कहे तो आप शायद उसको वो बर्दाश्त नहीं करें, वो करें। सो हम आपको बहुत मुस्कराते हुए चेहरे के साथ हम आप लोगों को जो है बर्दाश्त वो अच्छी अच्छी बातें करके आ जाते हैं। नथिंग, यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, ये चांपे जो है ये तैयार होने के करीब है, थोड़ा सा वक्त लेंगी, ब्रेक में हम इनको थोड़ा सा और ग्रिल करेंगे और शाही सैयद साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वापसी पर ज़रूर थोड़ा सा कुछ गुनगुना दे, कुछ तो करें इस किचन में, शाही सैयद साहब गुनगुनाना तो पड़ेगा आपको। ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, सियासी किचन में सियासी शख्सियात के साथ हमारा पकवान जो कि इनके हाथों अब हो गया है कुछ कुछ सियासी। उज़्मा, हमारा ये चांपे इस वक्त में बिल्कुल तैयार नज़र आ रही है। इट्स ग्रिल की हद तक, यस इट्स डन। उसके बाद हम इसमें अभी सॉस डालेंगे और अभी एक अच्छा ब्रेक पे जाने से पहले उज़्मा एक फरमाइश की थी हमने शाही सैयद साहब से कि कुछ गुनगुना दे, तो वो तो नहीं राज़ी हुए, बड़ा हमने कोशिश करके देख ली, लेकिन शाही सैयद साहब ईद के मौके पे कोई शेर ही सुना दे हमें आज। ये मेरे बस में है। ये आपके बस में है, चले ठीक है, हम आपके लिए आसान कर देते। चलो थैंक यू। वो ईद की सच्ची खुशी दोस्तों का दीद है, ईद की सच्ची खुशी दोस्तों का दीद है, हम मुसाफिर बेवतन के खाक हमारी ईद है। वाह वाह वाह, क्या बात की है, हम मुसाफिर बेवतन क्या खाक हमारी ईद। जो लोग मुल्क से बाहर है, मुल्क से बाहर है, जो अपने घरों से दूर है, जो घरों से दूर है। अच्छा उज़्मा ने भी अभी कुछ इन चांपों के साथ कुछ किया है और मजीद कुछ निकाला है मैंने। हाँ, सिर्फ चांपों को निकाला है, अभी थोड़ा सा हम इसको गार्निशिंग के लिए जो कुछ वेजिटेबल्स हैं उसको मैं नमक और थोड़ी सी काली मिर्च जो है वो करके थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको मैं ग्रिल पे ग्रिल कर। किचन में रहे कि मुझे यह अंदाजा दो कि औरतों का काम भी बड़ा मुश्किल है। बड़ा मुश्किल काम है। एहसास करें और अपनी जो बेगम साहिबा हैं उनको आप बोले अच्छा नहीं है, हम खराबियां निकालते हैं। मेरे ख्याल दुनिया के जितने भी मर्द इस वक्त बैठ के टेलीविजन पे अगर देख रहे हैं ये प्रोग्राम हमारा, तो वो जरूर ये जान लें कि भाई शाही सैयद साहब भी इस बात का इकरार करें और ये भी जान लें कि औरत जहाँ भी हो उसको यही करना पड़ता है, उसका आखिर में यही करना पड़ता है। हमारा काम आखिर में रसोई का है। ठीक है, अच्छा शाही साहब ज़रा एक थोड़ी सी कुछ चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं और मैं हमेशा यही कहा करती हूँ कि जो सियासतदान होते हैं वो आवाम के नुमाइंदे होते हैं, आवाम के बीच में उनको मौजूद होना चाहिए, आवाम को क्या मुश्किलात है उनके बीच में जाकर उनको मालूम करना चाहिए। उसमें आपसे भी मैं जानूंगी, किसान चीखे मार रहे हैं, किसान क्यों चीखे मार रहे हैं? ये यहाँ पे आप देखें हमारी सब्जियाँ पड़ी हुई हैं, बहुत ही महंगी हो गई हैं और बड़े अफसोस की बात है, ये क्यों है, ऐसे क्यों होता है? वैसे बल्कि उसमें पहले बताएं कि जब ईद आती है हमारे मुल्क में यहाँ पर कीमतें बढ़ जाती है, बाहर के मुल्कों में सेल लगा दी जाती है, डिस्काउंट्स दिए जाते हैं, हमारे यहाँ पर आग लग जाती है, आपकी हुकूमत क्यों नहीं कर रही कुछ? देखिए इसमें हुकूमत के साथ साथ मेरी, ये मुल्क ना हम सबका है और हमेशा मुल्क जो है वो अपने शहरियों के उनकी एहसास ज़िम्मेदारी के साथ होते हैं। अफसोसनाक बात यह है कि सबसे ज़्यादा हमारे मुल्क में ज़खीरा अंदोज़ी और दो नंबरी जो है वो रमज़ान के महीने में होती है। इससे बड़ी तबाही और जुल्म क्या होगा कि जो 11 महीने का मतलब वो जो उनका वो प्रॉफिट है वो उन्होंने रमज़ान में लेना होता है। फिर जिस चीज़ की फिर आप वो ज़खीरा अंदोज़ी की उसकी वजह से मेहरबानी करते हैं, चीज़ों की शॉर्टेज आर्टिफिशियल की जाती है ताकि जो है वो पैसे कमाए जा सके। तो ये सब चीज़ें और ये वेस्ट में यू आर राइट, मतलब बड़ी कोशिश है
कि जैसे रमजान का महीना इबादत का है, लेकिन हम लोग उससे कमाई का महीना बनाते हैं। जैसे ईद हमारा त्यौहार है, इसमें चाहिए कि हम सब मिल करके कुछ ऐसे एफर्ट करें कि हम दुनिया को दिखाएं कि हमारे इबादत का दिन है, हमारे खुशी का दिन है, ईद है। रमजान बाहर के मुल्कों में मुसलमानों के लिए जो है वो डिस्काउंट ऑफर्स किए जाते हैं, मतलब वहाँ पर वो अच्छा एम्प्लॉइज को छुट्टी देते हैं, गैर हमारा ख्याल करते हैं, लेकिन हम अपना ख्याल उससे बेगाने बने। बहुत ज़रूरी है हर लेवल पर इस पर काम किया जाए। अच्छा शायद सर, मैंने कहा कि आवाम के नुमाइंदे आप यहाँ पे ये सब्जियाँ पड़ी हुई आवाम के दरमियान जाना चाहिए हमारे सियासतदानों को, ज़रा कुछ इनकी कीमतों के बारे में बता सकते हैं आप कि इस वक्त ये प्याज, ये बड़े खूबसूरत बड़े बड़े प्याज इधर नज़ीन हमने रखे हुए हैं, आजकल लोगों को तो इतने अच्छे प्याज नहीं मिल पाते, हमने भी बड़े ढूंढ के रखे, ये किस भाव होंगे मार्केट में? देखो वैसे दरअसल ये सब्जेक्ट तो मेरा नहीं है, मैं किचन कोई चीज़ लोग आजकल रो रहे हैं, रोना है उनका, यही तकलीफ है उनकी। लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम, हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम और है, जो हमारे फसलें तैयार होती है ना उसकी मार्केट गिर जाती है। अच्छा। जमींदार को जो लॉस होता है, जो किसान चिखता है वो इसलिए होता है, और फिर अब सीजन में लोग रखते हैं, स्टोरेज का सिस्टम कम है, नहीं है, भारत दुनिया में लोग महीनों चीज़ें रखता है, उस कवर करते हैं, उसके इंतजाम हो जाता है, हमारे पास लाइट की प्रॉब्लम होती है, नहीं होता है, अदरवाइज हमारे जमींदारों को वो रिजल्ट नहीं मिलता। जमींदार जैसे ही भी फसल तैयार होता है, एक तो उनके ऊपर कर्जे होते हैं, उसने काद कर्जे पे लिया होता है, और मसाइल होते हैं उनके, तो वो जल्दी बेचना चाहते हैं, तो जो मिडल मैन होता है वो खरीद लेते हैं सस्ते में, तो उस वक्त भाव गिर जाता है। जब हमारी फसलें तैयार होती है तो फिर उस वक्त रेट नहीं मिलता, जब अब सीजन होता है फिर उसकी प्राइस बढ़ जाती है। आप कहेंगे ना कि वो सब्सिडी जिनका ऐलान किया जाता है वो मिलनी चाहिए लोगों को, ताकि उससे कुछ फायदा हो। मैं बोलूँ ये खुशहाल बात है, कोई इतराज़ मिले तो हम, मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी कोई बिलोंग तो नहीं करता हूँ, लेकिन जाहिर एक पैकेज किसानों को दिया तो सिर्फ पंजाब के लिए नहीं दिया, उसे पूरा पाकिस्तान के लिए दिया, तो इसका मतलब है कि उसको खुशहाल होना चाहिए, उस लोगों को खुश होना चाहिए। वो पैकेज खैबर पख्तूनख्वा में भी है, बलूचिस्तान में भी है, सिंध में भी है और पंजाब में भी। ये देखिए शाही साहब किस कदर खूबसूरत रंग निकलता आ रहा है उज़्मा, बड़ी कहने थे मैं आप बड़ी इंप्रेस हो रही हूँ उज़्मा, मैंने ये नया रूप देखा आपका। अच्छा ये जो सुघड़पन है ये शादी के बाद आया आपने या पहले भी आप ऐसे? नहीं बिल्कुल नहीं, घर पे तो माँ बाप के घर में तो परियाँ होती हैं ना, सब बच्चियाँ, मतलब वो कभी प्रैक्टिकल लाइफ की टेक्निकलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ की टेक्निकलिटी देखी थी। शौहर के घर में क्या होती है, रानिया हो जाती है, फिर राज करती है, कहने को यस, मलका कहने को यस, लेकिन किचन अच्छा मलका, रसोई की मलका, नहीं नहीं मुझे आपकी लॉन्ड्री की मलका, ये एक देखिए मैं समझती हूँ कि ख्वातीन के लिए एक ऑनर की बात भी है। हाँ। अगर वो वाकई घर की सिर्फ काम करने से, मतलब उसको सिर्फ ये ना हो कि काम करने और किचन तक लॉन्ड्री तक, वो अगर वो फैसला साजी में भी उतनी इम्पोर्टेंट है घर के अंदर, अगर वो बच्चों की तरबियत में भी उतनी इज्जत आप उसको दे रहे हैं, तो फिर ये बहुत खूबसूरत काम है अपने घर वालों के लिए खाना बनाना। उज्मा, उज्मा सबसे बड़ी बड़ी प्यारी बात, आजकल जो है ना आजकल औरतों की राज है। हमारा प्रोग्राम देखा होगा स्क्रीन पे औरतों का राज था, ठीक है। अच्छा उधर चले, वो शाही साहब तो कह रहे हैं कि मेरा इन चीज़ों से इतना ताल्लुक नहीं है, आप जरा बताए ना ये प्याज किस भाव, करेला किस भाव है, मैं पूछ लूंगा, चलो ये करेला किस भाव है बताए। करेला 120 रुपए, जिंदाबाद, इसलिए मुझे पता क्या बात है। अच्छा और प्याज, प्याज डिपेंड करता है, हमारे प्रॉब्लम यह है कि जो टमाटर और प्याज और लीमू ये तीन चीज़ें जो हैं, ये ईद बड़ी ईद के करीब जो है इसकी ज़मीन आसमान का फर्क आता है, इसके अंदर अदरक बड़ा, मतलब 30-35 के करीब पर केजी अनियन मिल जाता है, 80 रुपए किलो अदरक क्या होगा, अदरक होगा 60 के अराउंड जनाबे आली, 120 रुपए। वो अब आप ईद की प्राइस ना बताओ ना मुझे, मैंने ईद से एक हफ्ता पहले खरीदा इसलिए मैं वो बता रही हूं। हां ईद से एक हफ्ता पहले भी कीमतें बड़े चलाक होते हैं ये, इनको पता है लोग स्टोर कर लेते हैं फ्रिज में रख लेते हैं। बैंगन वो आपसे मुसलसल पूछे, चले बताती जाए बैंगन। हां ये बताओ बैंगन क्या है, बैंगन को भी होना चाहिए कि आज, बल एक बात तो तय है कि कोई सब्जी जो है वो 50 से कम मुझे नहीं मिली थी, सो 50 से ऊपर ही होगी इस सीजन में, आप ठीक कह रही हैं। ईद से पहले बना आम दिनों में यही बैंगन 30 बिल्कुल इसको पूछता भी नहीं है कोई, पूछता भी नहीं है कोई। अच्छा कुछ लोगों को बड़ा पसंद है, बल्कि शाही खानों में से है बैंगन बल्कि। हाँ अच्छा शाही साहब घर में क्या मतलब, इसमें तो बड़े लतीफे मशहूर है। अच्छा कुछ सुनाई दे सुना दे। हाँ। एक खान साहब को बड़ा भूख लगा हुआ था। अच्छा। तो उसने मतलब काना ले, तो किसी ने बैंगन ले आया, तो उसने बोला तो बहुत अच्छा है, बड़ा तारीफ, क्या चीज़ है, तो उसने बोला खान साहब इसमें तो विटामिन ए बी ए डी ए, बड़ी तारीफें की, तो उसने बोला रोजाना बैंगन बनाओ, आज की बात हुई बहुत अच्छी मुफीद सब्जी है, तो रोजाना बनाना शुरू हुआ, दो दिन चार दिन, तो आखिर खान साहब का मूड खराब हो गया, उसने बोला ये क्या मुसीबत है रोजाना बैंगन, तो उसने बोला खान साहब ये तो बड़ी भिखार सब्जी है, बड़े कभी है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो खान साहब हैरान हो गया, उसे तो आपने बड़ी तारीफ किया था। हाँ। आज तुम इसकी बुराई कर रहे हो, बोला इसे कि खान साहब हमने बैंगन क्या करना है, हमने तो खान का मूड देखना है, वो जिस बात में खुश होता है हमें वही करना है।
क्या बात है, बाकी जो चीज़ आपकी पसंद के मुताबिक। अच्छा, इतना खूबसूरत उज़्मा ने इस ट्रे को सजाया है, मैं चाह रही हूँ कि उज़्मा हमें दावत दे ही डाले अपने घर खाने अभी, की। अभी हमें सॉस बनानी है इसकी। अच्छा, ये तो फिर भी आप इस वक्त अगर देखें बड़ी खूबसूरत, क्यों उज़्मा अगर सियासत छोड़ दे तो किचन रेस्टोरेंट चलाएगा तो उज़्मा एक सियासी किचन जो है वो तैयार करेंगे, वहाँ सारे सियासतदान बाहर बैठ कर। ये तो ओरिजिनल सियासी किचन है, ये तो चांपे बना रही भाई, बेहतरीन बारबेक्यू। अच्छा उज़्मा, इन चांपों को देखकर जैसे आपने इनको फ्राई किया, किसका आपको ख्याल आता है, कोई सियासी शख्सियत आपके जहन में आती है? मुझे तो सिर्फ इमरान खान याद आते हैं, जब भी कोई मतलब ऐसी टेढ़ी मेढ़ी उल्टी सीधी चीज़ हो ना, मुझे उस पर सिर्फ इमरान खान याद आता है। अच्छा अच्छा, और आपको इन चांपों को देख के कौन याद आता है? मुझे कौन याद आता है? हाँ, ये चांपे, ये देखे ना, ये ट्रे है और ये चांपे हैं, ये इन चांपों को देख कर आपको किसकी याद आती है? मुझे तो ये अफगानी रेस्टोरेंट याद आते हैं, जो दुबई में होता है अफगानी रेस्टोरेंट, उसमें ये चांपे मिलते हैं। किसी सियासी शख्सियत, किसी का ख्याल आता है आपको इसमें? हाँ। नहीं नहीं, सियासत जैसे क्या हुआ? अरे बहुत सारे वास्ते होते हैं, बहुत। अब देखिए ना, बैंगन है, कोई थाली का बैंगन होता है, कौन है थाली का बैंगन? ये तो मुझे पता नहीं है। आपको नहीं पता? क्यों उज़्मा, कौन है थाली का बैंगन? थाली का बैंगन, थाली का बैंगन आप कह लें अलीम खान। कौन? अलीम खान। सारे पीटीआई के हैं, कोई कहीं थोड़ा इधर उधर एम के आ जाए, कोई पीपल्स पार्टी आ जाए। मुहालिफत सियासी है। हर एक इंसान जो है वो सियासतदान होने के अलावा इंसान भी है। अच्छा। उसकी एक फैमिली है, उसकी एक उसके घर वाले हैं, उसको आपको वो अच्छा लगता है नहीं लगता, वो अपने घर वालों को अच्छा लगता होगा। वो किसी का बेटा है, किसी का शौहर है, सो वो किसी की बेटी है, सो इसलिए मतलब। अच्छा उज़्मा, ये अभी आपने बड़ा कुछ कर दिया, ये हमें बताएं आपने किया क्या? ये हमने सॉस बनाने की कोशिश की है, इसमें मैंने थोड़ा सा चॉप्ड अनियन डाला है, चॉप्ड हमने इसमें से जिंजर डाला है, मैंने इसके अंदर थोड़ी सी ये टमाटो प्यूरी डाली है, और उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैंने ब्लैक पेपर डाला है, और एक हमने जो है वो ब्लैक पेपर सॉस। ये ग्रेवी किस चीज़ की है? ये सॉस है जी, ब्लैक पेपर सॉस, इसको हम आप ही कह लीजिए यखनी है ये। अच्छा। बीच में इसको हमने ब्लैक पेपर वगैरह के साथ इसको वो किया है, इसको मैंने इकट्ठे करके अब इसको मैं थोड़ा सा ग्रेवी की शेप में, हाँ थोड़ा सा इसको पकाएंगे, थोड़ा ये गाढ़ा हो जाए, तो फिर हम इसको चॉप्स पे डाल के जो है इसको हम सर्व करेंगे। ठीक, मज़े मज़े की बातों के साथ हमारा ये डिश जो है ये भी तकमील के मराहिल में, मतलब बिल्कुल इख्तिताम की तरह है, हमारे जो है वो पसीने पसीने होने की उस तक ये भी खत्म होने वाली है, मेहनत कशों का पसीना और है। और यहाँ ब्रेक लेते हैं, हम अपने पसीने भी खुश करेंगे और साथ ही साथ ये सॉस भी बनकर हो जाएगी तैयार, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, ये आप देख रहे हैं इस वक्त कि ये चांपे जो हैं मैं बना रही हूँ। जी हाँ, वो नींबू निचोड़ की कहानी आपने सुनी होगी है ना, वो आखिर में एक चमचा हिला के चलेगा ये, क्योंकि अगर ये अच्छा ना बना तो मैं कहूँगी कि ये मेरी ने बनाया है, और अगर अच्छा बना तो फिर भी मेरी ने बनाया है। अच्छा, ये अभी हम कहाँ तक पहुँचे ये बताए? ऑलरेडी डन, हम तकरीबन ये हमारी सॉस जो है जनाब बिल्कुल तैयार हो गई है। थोड़ा सा एक मिनट इसके साथ अब थोड़ी सी क्या सलूक करेंगे? इसके साथ बड़ा अच्छा सलूक करेंगे, ये देखिएगा आप। वो सलूक जो किसके साथ किया जाता है? किसी के साथ हम बुरा सलूक नहीं करते हैं महरीन, हम सबके साथ अच्छा सलूक करते हैं, हम सबके साथ प्यार मोहब्बत से रहते हैं, और आज ईद का दिन है इसलिए हम अच्छी अच्छी बातें करें, हम अच्छी अच्छी बातें करें। मुझे बार बार ये क्यों कहा जा रहा है, मैं कैसी बातें कर रही हूँ? अच्छा उस इसको अब आप इसके ऊपर डालेंगे, सही हो गया जनाब। ये चांपे आपको पता लगा बनानी कितनी आसान है, और जब किसी और ने बनानी हो तो बहुत ही आसान होती है। मुझे भी बड़ा मज़ा आ रहा है, मैं थोड़ा चूल्हे से ना दूर दूर ही खड़ी हूँ कि मुझ तक ये हिद्दत जो है कम पहुँचे। अब इसको हम थोड़ा सा और गार्निशिंग बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये लक इतनी खूबसूरत रही है, वो शाही सैयद साहब ने जो शुरू में बात की कि आजकल खाने जो है इतनी खूबसूरती से लगाए जाते हैं, आपके घर में आपकी बेगम कभी आपके लिए इतना डेकोरेट करके खाना रखती हैं आपके सामने? आप ये करती है? हाँ, मैं जब खुद बनाती हूँ तो मैं यकीनन मेरी कोशिश होती है, बिकॉज बच्चे जो हैं जब उनको बहुत मोहब्बत आती है मुझसे तो मुझे किचन में जाने के लिए कहते हैं, सो इस मोहब्बत से मैं काफ़ी भागती हूँ वैसे, बट जब मैं जाती हूँ फिर मुझे मतलब खाना वैसे अच्छा बना हो ना बना हो मुझे उसके ऊपर इतना वो नहीं होता, मैं टिश्यू देखना चाह रही हूँ। टमाटर के छिलकों के साथ ये फूल बनाया है और बहुत ही प्यारा लग रहा है उज़्मा, मैं तो आज मान गई उज़्मा, मैं आपकी फ़ैन हो गई हूँ।
अपने सियासी किचन में। अच्छा शाही सैयद साहब, एक हमने छोटी सी गेम खेलनी है, गेम खेलनी है या इसे आप कह लें कि हम जानना चाह रहे हैं कि आपके दिल के अंदर क्या है। ये जो सब्जियां पड़ी हुई है मैंने आपसे पहले कहा हमें बताएं, इसको देख के किसका ख्याल आता है आपको? ये सब्जियाँ हैं, ये प्याज है, ये इसको देख के, प्याज को देख के कौन आपके जहन में आता है? ये सलीम साहब ही याद आ जाते हैं, वो सबको रुला देता है। हाय हाय, अच्छा यानी कि आज आप हमारे एंकर्स के बारे में बात करेंगे। चलिए ठीक है, एंकर्स में बताइए, प्याज जो है सलीम साफी साहब आप सबको रुला देते हैं। अच्छा करेला, एक करेला दूसरा नीम चढ़ा कड़वा करेला, ये डॉक्टर दानिश भी बुरा नहीं है। हाँ ठीक है, आई एग्री। बंद गोभी से महसूद याद आ जाता है। अच्छा ये क्यों? वो जाहिर है बंद चीज़ें निकाल लेता है, हमें तो पता ही नहीं होता, उसको खबर लग जाता है पता नहीं क्या है, तो बंद गोभी है अंदर से कुछ भी निकल सकता है। नहीं तो क्या आपको ऐसे लगता है कि अंदर कुछ भी नहीं होता क्या? कई सारे अभी तो बंद है, काफ़ी अभी अभी बंद गोभी है उसके अंदर चूड़ा भी उसके। ओह अच्छा, अब ये इधर आते हैं, ये अदरक, अदरक को देख के किसका ख्याल आता है? टेढ़ी मेढ़ी होती है ये और लेकिन बड़ी फायदेमंद भी होती है। जिंजर टी, ये फिर रऊफ क्लासरा हो जाएगा और क्या होगा। अच्छा ये थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करेंगे क्यों रऊफ क्लासरा क्यों? आपने खुद ही बोला टेढ़ा वेढ़ा, तो वो तो है जैसे। अच्छा आज ना सबको बड़ी हंसी आ रही है, उसमें कोई बड़ी हंसी आ रही है, शाही साहब को भी कभी आप लोगों की बारी भी आएगी। शुक्र है ये पहला ईद है कि हम तुम लोगों का नाम ले रहे हैं, वरना सियासतदान अभी मैं इसका बोलता कि प्लान इमरान खान तो आप खुश होते, मैं बोलता कि सनियार वली तो फिर आप खुश हो जा रहे। मिर्ची यार, ये मिर्ची मुझे बना लो, ये आपका हो गया। नहीं तो मुझे इतनी क्यूट है और इतनी डिसेंट है, ये इसका नहीं हो सकता। तो इसके साथ बाबा रहमान बोल गए। अच्छा चलिए बाबा रहमान बोल गए। मैं स्पीचलेस हूँ, आप मुझे ही कहते हैं। नहीं नहीं आपको कुछ नहीं कहना चाहिए, ये सिर्फ शाही सैयद साहब ही कह रहे हैं। चलिए ठीक है, अच्छा ये इन्होंने तो बता दिया। चलिए अब एंकर्स को छोड़ते हैं, सियासतदानों की तरफ आते हैं। अब मेरी बहुत खुश होगी, अब मेरी बहुत खुश होगी, दांत देखिएगा। चलिए पूरे 32 दांत है मेरे मुंह में। हाँ बताइए। अच्छा प्याज से शुरू करते हैं, जो रुला भी देता है, आंखों में पानी आ जाता है या कोई पैदा नहीं हुआ इसकी, इसकी काफ़ी खुशबू भी काफ़ी अच्छी होती है, तो शेख रशीद साहब उनकी बातें सुन के या रोया जा सकता है या सिर पीटा जा सकता है। अच्छा जी ये हमारे शेख रशीद साहब है जी, प्याज रुला देते हैं या रोया जा सकता है या हंसा जा सकता है। करेला नीम चढ़ा कड़वा इमरान खान ज्यादा नहीं हो गया इमरान खान। मिर्ची मिर्ची ओके मिर्ची सियासतदान मिर्ची सियासतदान आप हाथ में पकड़ लिया आपको ओए ओए ठीक है। अच्छा जी और हम मैंने कहा बैलेंस जेंडर बैलेंस कर दो जेंडर हाँ कोई खान कोई नहीं हो रहा। हाँ। अच्छा और ये बैंगन थाली का बैंगन ये तो बहुत सारे हो सकते हैं ये तो बहुत सारे हो सकते हैं। अच्छा बहुत हाँ। सारे लेकिन एक जो बड़ा वो होता है ना जो बस वो जो सबकी जहांगीर तरीन आप। अच्छा चलिए पीटीआई के अलावा भी कोई और भी बताए एक और चॉइस थाली का मजीद बैलेंस करते हैं। अच्छा मजीद बैलेंस करें इसको तो इसको हम अब किस तरफ ले जाएं लेकिन इसको देख लीजिए पीपल्स पार्टी में कोई ढूंढिए बताइए शाम में कुरेशी कर ले एक ही बात नहीं ना वो तो पीपल्स पार्टी में पीपल्स पार्टी में बैंगन जरा थोड़ा उस तरफ भी जाते हैं थाली का बैंगन लेकिन पहले वो बैंगन थाली का बैंगन और पीपल्स पार्टी में से आप बताएं हर पार्टी में बैंगन वो भी अब थोड़ा बीच बीच का कुछ और इसीलिए थाली का बैंगन है ना भाई। अच्छा कद्दू की तरफ आ जाते हैं इसको देखिए सियासतदान इतना बड़ा सियासतदान मतलब कद्दू कौन होगा इतना बड़ा सियासतदान कभी ये कद्दू होता था जिसपे वो जो जादूगरनी होती थी और वो आपकी वो बग्गी बन जाती थी सिंड्रेला के लिए ठीक है और ये वो कद्दू है जिसको देख के कोई शख्सियत जहन में आ रही हो किसी भी लिहाज से मुशाबिहत किसी भी लिहाज। अब देखो ना इतना बड़ा ह्यूज सियासतदान ढूंढना एक मुश्किल काम है और कद्दू जैसा कौन हो सकता है शाही सैयद साहब आप कोई मतलब हिंट तो दे मतलब आप भी कोई ये बड़ा देखे ना ये मिलियन डॉलर क्वेश्चन है इस प्रोग्राम का। हाँ। सो ये कद्दू का कोई मतलब खूबसूरत कद्दू हमने मंगाया स्पेशली आप इधर तो नहीं किसी को देख रहे नहीं तो नहीं सकती हो किसी सूरत में भी ये कद्दू शायद सब बता दें सर्वर साहब नहीं चलेंगे सर्वर साहब। हाँ अच्छा ठीक है
आप फिर पीटीआई में चली जाती हैं। मतलब तो मुझे मुझे अच्छे बहुत लगते हैं पीटीआई के लोग। हर वक्त मेरे, अब देखो तुमने मुझे ये लीमू नहीं पूछा। हाँ, मैं हाथ में लेके लीमू मुराद सईद। अब तो मुझे, अब जो बंदे पूछोगे, अब मुझे पीटीआई एक्चुअली मुझे अच्छी बहुत लगती है। आपको तो यार अब अपनी पार्टी क्यों हो जाए, सिर्फ पीटीआई हार रहे हैं। अपनी पार्टी, अब अपनी पार्टी क्यों हो जाए। नवाज शरीफ का नाम ले लूं, किसमें इतना बड़ा है, ओए 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 इतना बड़ा है नवाज शरीफ। नहीं 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 नहीं, देखिए एक बात है, वैसे आपने शाही सईद साहब हक अदा कर दी। चलो मेरी खुश हो गई, मेरी खुश हो गई। देखिए कद्दू की बड़ी अफ़ाज़ियत है, इतने बड़े हैं नवाज शरीफ साहब, इतना बड़ा ह्यूज साइज तो नहीं। लेकिन मैं बोले शायद नहीं, चल ये तो नज़ीन कुछ ऐसे हंसी मजाक की बातें हैं, और कोई इसको मतलब सीरियसली ले रहे सर जस्ट के किडिंग। कद्दू की भी बड़ी अफ़ादियत है, बैंगन की भी बड़ी अफ़ादियत है, हर चीज़ के अपने अपने फ़ायदे हैं अगर उनको सही मानों में इस्तेमाल किया जाए। गलत टाइम पे इस्तेमाल करके फिर पेट भी खराब करते हैं। ठीक है जी, हमारी डिश भी तैयार हो गई हमारे मेहमानों के साथ, हमें बहुत ही मज़ा आया हमारे इस किचन में, बहुत ही मज़ेदार गुफ्तगू हुई। शाही सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया, उज़्मा आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने इस कदर खूबसूरत जो ये चांपे तैयार की हैं, और इनको हम अभी बैठ के खाएंगे भी, इससे मज़ा भी लेंगे, और यकीनन आप लोग अपने घरों में इसे ज़रूर तैयार करेंगे। चटपटी कुछ बातें की हैं, कुछ लोग अगर नाराज़ हुए तो हम उनसे माजरत चाहेंगे, मकसद हर किसी को नाराज़ करना नहीं है, सिर्फ ईद के मौके पर ये हल्की फुल्की सी गुफ्तगू आपके साथ हमारे इस सियासी किचन में। बहुत शुक्रिया आप सबका, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नाज़िर।